Hey, what's up guys? Welcome back to another video. आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक बैडमिंटन फुटवर्क के बारे में. जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए फुटवर्क बताऊंगा बहुत इजी वे में स्टार्ट करने वाला हूं. अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं. वहां हम डेली बेसिस में ट्रेनिंग वीडियोस डालते हैं. चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the guys, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बैडमिंटन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दूं. बैडमिंटन में सिक्स कॉर्नर्स होते हैं. ये आपका फोर एंड साइड नेट कॉर्नर है, ये आपका बैक एंड का नेट कॉर्नर है, इधर आपका फोर एंड साइड डिफेंस कॉर्नर, इधर बैक एंड का डिफेंस कॉर्नर, ये फोर एंड साइड बैक कॉर्नर और इधर ओवर हेड का बैक कॉर्नर. गाइस ये हमारा सेंटर ऑफ फुट. सबसे पहले मैं आपको बताऊं अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं फुटवर्क सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है. गाइज ये हमारा सेंटर ऑफ फुट है और यहाँ पे कैसे खड़ा होना है वो आपको बताता हूँ. आपको ध्यान रखना है आपका राइट लेग हमेशा लेफ्ट लेग से थोड़ा सा आगे रहेगा और यहाँ पे आपको स्प्लिट स्टेप करना होता है. बिगनर्स को सबसे पहले यही स्टेप सीखना ज़रूरी है. ये स्प्लिट स्टेप करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा फोर एंड साइड नेट कॉर्नर कैसे आपको कवर करना है. सर यहाँ पे मैं आपको बताऊं बिगनर्स को क्या करना है. सबसे पहले अगर आप राइट हैंडेड प्लेयर हैं तो आपको राइट लेग सबसे पहले लेके जाना है आगे. राइट लेफ्ट राइट, ये हैंड आपका पीछे रहेगा. ये हैंड पीछे बैलेंस करने के लिए रहता है, बॉडी को बैलेंस करने के लिए रहता है. आपको यहाँ से लिफ्ट करना है और आपको ट्राई करना है कम से कम ये पैर को ड्रैग करना है और वापस आपको फिर या तो आप स्किप स्टेप में वापस आ सकते हैं या तो आप बैक रनिंग में वापस आ सकते हैं. अगेन आपको यहाँ पे आके स्प्लिट स्टेप करना है. चलिए सेकंड कॉर्नर की बात करते हैं, बैक एंड साइड लेग कॉर्नर. यहाँ पे भी आपको सेम स्प्लिट स्टेप करना है. राइट लेग आपका लेफ्ट लेग से आगे रहेगा. सबसे पहले आपको अपना राइट लेग आगे लेके जाना है, देन लेफ्ट लेग फॉलोड बाय राइट लेग. सेम 1 2 3 ये हाथ गाइस, इस हाथ का आपको जो आपका इनएक्टिव हैंड है उसका आपको ध्यान रखना है. वो पीछे बैलेंस करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए पीछे रहेगा हमेशा. यहाँ से आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ बैक हैंड साइड लेग कॉर्नर कैसे जाना है. ये हमेशा आपको याद रखना है स्प्लिट स्टेप के टाइम पे राइट लेग आपका थोड़ा सा आगे रहेगा. यहाँ से आपको राइट अगेन, अगर आप राइट हैंडेड प्लेयर हैं तो आपका राइट लेग पहले जाएगा, अगर आप लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हैं तो आपका लेफ्ट लेग पहले जाएगा. देखिए राइट लेफ्ट, ये हाथ का आपको ध्यान रखना है. इनएक्टिव हैंड हमेशा आपका पीछे रहेगा, इसके पहले रहेगा शॉट के, चाहे आप डिफेंस कर रहे हैं चाहे आप रन देख रहे हैं. ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है और बहुत सारे प्लेयर इस चीज़ को मिस कर देते हैं. बाद में उन्हें दिक्कत आती है जब वो एडवांस कोचिंग करते हैं, वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम आती है. गाइज एक बार मैं लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स की भी स्टेपिंग दिखा देता हूँ फोर एंड साइड में कैसे रहेगी. गाइज आपको याद रखना है स्प्लिट स्टेप में आपका लेफ्ट लेग राइट लेग से आगे रहेगा, जैसे हमारा फोर एंड साइड में राइट लेग लेफ्ट लेग से आगे रहता है. सेम आपको भी वही करना है जैसे राइट हैंडेड प्लेयर कर रहे थे. आपका लेफ्ट लेग सबसे पहले जाएगा यहाँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये हाथ आपका भी पीछे रहेगा बॉडी को बैलेंस करने के लिए. देन अगेन बैक रनिंग में पीछे आके आपको याद रखना है आपका राइट लेग आगे होना चाहिए. ये बार बार मैं रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि गाइस जब हम बिगनर होते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. अगर हम लोग फोर एंड साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम स्प्लिट स्टेप भूल जाएंगे. अगर मुझे स्प्लिट स्टेप याद है तो यहाँ पर मैं हो सकता है पहले लेफ्ट लेग ले जाऊँगी, तो ये सारी मिस्टेक स्टार्टिंग में होती हैं. इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक बनाऊंगा. बाकी के बचे चार कॉर्नर मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए. टिल देन स्टे हेल्दी स्टे फिट. प्रशांत मेहता साइनिंग ऑफ. Can we switch up all the